नमस्ते हमेशा खुश रहो बिटियाओ आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी टुडे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टुडे वी विल डिस्कस अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट इंटरनेट है क्या बेसिकली अगर इंटरनेट देखा जाए तो इंटरनेट एक वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं तो द इंटरनेट और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड डेट कनेक्ट बिलियन ऑफ कंप्यूटर यूजर बेसिकली इंटरनेट क्या है इंटरनेट एक नेटवर्क है एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को आपस में क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं द वर्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क तो बेसिकली इंटरनेट एक क्या है नेटवर्क जिसका क्या काम होता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना Internet is the collection of computer devices connected via communication channel and transmission media allowed to share resources. The large collection of computer networks which form and act as a single large network for transport of data, message across distance, which can be anywhere from the same office to anywhere in the world. बेसिकली पहले के जमाने में क्या होता था कि आपके जो ऑफिस अलग अलग सिटीज में हैं तो वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना पड़ता था इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी पड़ती थी पर आज की डेट में इंटरनेट होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया है एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है एक ऑफिस के कंप्यूटर्स एक ऑफिस के सिस्टम दूसरे ऑफिस के सिस्टम से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है और अगर आपको कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन मीडिया फाइल कुछ भी अगर ट्रांसफर करनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू विद इन अ मिनट क्या कर सकते हो डेटा ट्रांसफर कर सकते हो तो बेसिकली इंटरनेट जो है इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम अलग अलग प्लेस के जितने भी अलग अलग सिस्टम्स है कंप्यूटर है उनको आपस में क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं नाउ वी स्टार्ट विद द इंटरनेट सर्विसेज First is www. World Wide Web, commonly known as Web, is a system of interlinked hypertext document access via Internet. Hypertext is a text displayed on computer or other electronic device with reference to other text that the reader can immediately access, usually by the mouse click or key press. प्रेस सीक्वेंस बेसिकली अगर देखा जाए तो आज हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए भी इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है आप गूगल में जाते हो सर्च करते हो कॉलेजेस बी बी ए कोर्स आफ्टर एम बी ए जॉब के लिए आप सर्च करते हो नौकरी डॉट कॉम हो गया टाइम्स जॉब हो गया तो बेसिकली हम क्या है इंटरनेट यूजर जो हम इंटरनेट के थ्रू वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम तो क्या है इंटरनेट यूजर पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल कहा से रही है तो जो लोग जो आपको इंफॉर्मेशन अवेल करा रहे वो कहलाते सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको services अवेलेबल करा रहे, वो कहलाता है है और यहाँ पे server का, का काम करता है www, world web. तो basically देखा है, तो देखा जाए क्या एक server है जो सर्विस प्रोवाइडर से कंटेंट को लेके किसको अवेलेबल कराता है इंटरनेट यूजर को अवेलेबल कराता है नाउ वी स्टार्ट विद द वेब पेज वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड कैन बी एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर एंड डिस्प्ले ऑन अ मोनिटर और मोबाइल डिवाइस बेसिकली वेब पेज इज नॉन एज अ इलेक्ट्रॉनिक पेज एंड इट इज अ टाइप ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इट इज जस्ट लाइक अ पेज ऑफ अ बुक बेसिकली अगर देखा जाए तो वेब पेज क्या है एक किताब के पन्ने की तरह एक बुक के पेज की तरह जैसे कि एक बुक के पेज पे आपको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हो तो वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको जो एक पेज दिखता है वो क्या है वेब पेज जिस पेज के ऊपर आपको इंफॉर्मेश मिल रही है वो क्या है वेब पेज तो बेसिकली वेब पेज क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो कंपनी यूज लेती है ताकि इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के माध्यम से वो क्या कर सके लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सके नाउ वी विल डिस्कस वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्राइविंग प्रेजेंटिंग और ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब आपने डब्ल्यू 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 पढ़ लिया वेब पेज पढ़ लिया पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कहा से सर्वर हम कहा लेंगे हम इंटरनेट यूजर इंफॉर्मेशन कहा से कलेक्ट करेंगे तो वो सोर्स जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है वेब ब्राउजर आपने अलग अलग वेब ब्राउजर के नाम सुन होंगे इंटरनेट एक्सपर्ट गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट की सर्विसेज यूज में लेते हैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें गूगल क्रोम है ओपेरा मिनी है मोजिला फायरबॉक्स है इंटरनेट एक्सप्लोर है बेसिकली ये सब क्या है वेब ब्राउजर जो एक इंटरनेट यूजर को हेल्प करते हैं कि वो इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है तो ये क्या कहलाता है आपके वेब ब्राउजर नाउ वी कम टू द ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल पुराने जमाने में क्या होता था अगर आपको इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करनी है तो आप टेलीफोनिक माध्यम से टेलीफोन के यूज से इन्फॉर्मेशन से सेंड कर सकते थे बट अगर इंफॉर्मेशन लेंदी है और रिटर्न में जरूरी है तो वहाँ पर आपको लेटर लिखना पड़ता था फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती थी जिसमें एक या दो दिन लगते थे बट आज की डेट में एक नया कंसेप्ट आया इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल की सर्विसेज यूज ले सकते हैं जिसमें हम विद इन लेस देन वन मिनट एक मैसेज को दूसरे पर्सन के पास पहुंचा सकते हैं चाहे वो आउट ऑफ कंट्री चाहे वो दूसरी कंट्री में हो चाहे दूसरी सिटी में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो बेसिकली अगर यहाँ पे देख तो आप अपनी रेगुलर लाइफ में अलग अलग तरीके के मेल यूज़ में लेते हो लाइक like, जी मेल यूज़ में लेते हो याहू मेल यूज़ में लेते हो ये जी मेल याहू मेल क्या है ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है चैनल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो मेल को या आपकी इंफॉर्मेशन को आपके मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में विद इन अ मिनट पहुंचा सकते हो इन मेल में केवल टाइप्ड लेटर ही सेंड नहीं होते इसके अलावा आप ऑडियो फाइल वीडियो फाइल यहाँ पे ग्राफिक्स हो गए इमेजेस हो गए वो भी आप सेंड कर सकते हो This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti vidyapit Women's University and I hope you are satisfied with my digital session if you have any query please mention in the comment box I will solve it